वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत का मुकाबला एक ऐसी टीम से होने वाला है जिसने 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराकर भारत को बाहर का रास्ता दिखाया था। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो जीतने का हमारा सपना था उसे चकनाचूर किया था। 2021 के ही T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को बाहर निकालने में ये टीम काफी ज्यादा कारगर रही। आज भारत का मुकाबला है न्यूजीलैंड से, वो टीम जो 1992 के बाद से लगातार भारत को ICC इवेंट्स में हरा रही है और हमारे वर्ल्ड कप के सपनों को चकनाचूर कर रही है। तो वो सपना जो महेंद्र सिंह धोनी पूरा नहीं कर पाए, याद होगा आपको कि उन्हें भी रुला दिया था कीवीज ने, वो सपना जिसे विराट कोहली अपनी कप्तानी में पूरा नहीं कर पाए, क्या आज रोहित शर्मा उस सपने को साकार करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व विजेता की ये स्पेशल कवरेज धर्मशाला के इस ऐतिहासिक और खूबसूरत मैदान से। मैं प्रीति दहिया आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ। कुछ ही देर में हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स जिनमें विश्व विजेता कप्तान कपिल पाजी शामिल है, अतुल वासन है, संजय बांगर है और साथ ही मेरे सहयोगी GS विवेक भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत पर काफी हावी रही है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 2023 का ये वर्ल्ड कप अलग है, ये टीम इंडिया भी अलग है। तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा ही रही हूँ, GS विवेक भी साथ है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए सीधा चलते हैं शिरीन के पास। शिरीन। बिल्कुल प्रीति, और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, देखिए सुपर संडे है, महामुकाबला है और ठीक 2 बजे भारत न्यूजीलैंड की ये बड़ी टक्कर होने जा रही है, लेकिन मैच से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूर्य कुमार यादव को मैच से पहले कल शाम नेट्स में चोट लग गई, इसके साथ ही ईशान किशन को कल अभ्यास के दौरान मधुमक्खी ने काट लिया है। हार्दिक पांड्या चोट की वजह से पहले आज नहीं खेल रहे हैं, तो ये सीधे सीधे किस तरीके से झटका मैच से पहले ही लग रहा है। सूर्य कुमार जो मैच से पहले चोटिल हो गए हैं, हार्दिक पांड्या पहले से ही चोटिल है, और अब बताया ये भी जा रहा है कि ईशान किशन जो कल प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन उसी दौरान उन्हें मधुमक्खी ने काट लिया था, तो उन पर भी अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। तो मैच से पहले ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तीन तीन प्लेयर और जिस तरीके से तीनों को ही हार्दिक पांड्या हालांकि पहले ही नहीं खेल रहे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव और इसके साथ ही ईशान किशन पर भी अभी जिस तरह से खबर वहां से मिल रही है कि प्रैक्टिस के दौरान उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो भी शायद अब ना खेलें, क्योंकि सूर्य कुमार जिन्हें प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी है। और कपिल पाजी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कपिल पाजी, ऐसे में अब सवाल ये है कि प्लेइंग 11 का रूप कैसा होगा? सर, जो बचे खुचे खिलाड़ी हैं वही खेलेंगे, कुछ और तो आपके पास उपाय नहीं है, तो इसलिए शायद उससे ध्यान हटा देना चाहिए, जो नहीं है तो नहीं है, चोटिल हो गए तो हो गए, अभी उससे उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हाँ हम यहाँ कर सकते हैं, टीम में नहीं होना चाहिए, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उनको सामने लाइए और मैच खेलने का पॉजिटिव थिंकिंग से जाइए। कोई बात नहीं अगर आपके मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए या नहीं खेले, लेकिन आपका वो जुनून जोश कम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, क्या ये टेंशन बढ़ाने का काम करती है? मतलब हार्दिक पांड्या तो पहले ही, फिर सूर्य कुमार यादव भी, और अब ईशान किशन के बारे में भी सुनने में आ रहा है, तो टेंशन क्या बढ़ रही है आज? टेंशन नहीं, आप कह सकते हो आपको एक्सक्यूज मिल सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान की टीम में पिक किया गया उसमें कुछ ना कुछ तो एबिलिटी होगी जो इन टीम में आया, तो आपको ये इसी कॉम्बिनेशन में जाना होगा जो आपके पास बचे हुए हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी बड़े नाम नहीं चाहिए, बड़ी कमिटमेंट चाहिए, और इंडियन टीम को आज बड़ी कमिटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, मालूम है कि उनके मेन प्लेयर आज इंजर्ड है, नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होनी चाहिए। थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है वो यही है और इसी के साथ इस मैच को फतेह करना है। अच्छा, चलिए अब हमारे साथ हमारे खेल संपादक GS विवेक भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। GS विवेक, प्लेइंग 11 अब कैसी हो सकती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो चोटिल हो गए हैं और मैच से पहले ये बड़ी टेंशन भी है भारत के लिए। देखिए शिरीन, सूर्य कुमार यादव को चोट लगी ज़रूर थी, लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं है कि वो उनका जो है मैच में खेलने के लिए संशय बन जाए। हाँ, रिस्ट में लगी थी, थोड़ी सी स्वेलिंग हुई थी तो उसकी टेपिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से अगर कोच राहुल द्रविड़ ने भी ये साफ कह दिया था कि उनका प्लेइंग 11 उनके नज़रिए से बिल्कुल साफ है, और कोच ने कहा कि हमारे पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं, आप अश्विन को भी खिला सकते हो हार्दिक की जगह पर, और मोहम्मद शमी को खिला सकते हो, या फिर आप जो है मिडिल ऑर्डर पे सूर्या को भी खिला सकते हो, तो जो भी प्लेइंग 11 है टीम इंडिया के मन में वो ज़रूर उतरेगी, और अगर उस प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव हैं तो वो भी आज खेलेंगे, क्योंकि वो चोट इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें वर्ल्ड कप के मैच से बाहर। लेकिन विवेक, ठीक है, लेकिन फिर ईशान किशन को लेकर अब क्या अपडेट है, वो खेल रहे हैं या नहीं? ईशान
देखिए शिरीन, ईशान किशन तो वैसे भी एक थर्ड ओपनर की तरह यहाँ पर इंडियन टीम ने उनको रखा हुआ था, तो जब से शुभमन गिल जब से फिट हो चुके तब ईशान किशन बाहर ही हैं। तो अगर यहाँ पर जो स्लॉट खुला है इंडियन टीम में तो वो मिडिल ऑर्डर का स्लॉट खुला हुआ है या फिर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा बॉलर का, तो यहाँ पर ईशान किशन फिलहाल स्कीम ऑफ थिंग्स में तो नहीं है। और सूर्य कुमार यादव, आर अश्विन या मोहम्मद शमी, इन तीन में से कोई एक आपको देखने को खेलने को मिल सकता है। और अगर टीम इंडिया ने कहा कि कुलदीप की जगह पर वो एक और स्पिनर रखें क्योंकि चार चार लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम में, तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है, लेकिन ईशान किशन फिलहाल इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, जीएस आप रहिए हमारे साथ। और जैसा कपिल पाजू ने कहा कि टीम चाहे जैसी हो लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आइए फिर से एक बार धर्मशाला लिए चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति जी, शरीन, और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है सूर्य कुमार यादव से, कल रात को ही मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी कि बहुत ज़्यादा गंभीर उनकी चोट नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहा विवेक ने कि अब ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हो सकता है प्लेइंग 11 में वो दिखें। और कपिल पाजी ने कल जिक्र किया था कि वो मोहम्मद शमी को देखना चाहते हैं आज के प्लेइंग 11 में, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद शमी भी देखने को मिले। मेरे साथ कुछ फैंस इकट्ठा हो रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो फैंस से हम बात करते हैं। आज टीम इंडिया फेस कर रही है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड बहुत बार हरा चुकी है आईसीसी इवेंट्स में, लगता है आज हम जीतेंगे? पिछले 20 साल से तो नहीं जीते हैं, बट आज पिछले 20 साल से तो नहीं जीते न्यूजीलैंड से आईसीसी इवेंट्स में, बट आज उम्मीद है, ये टीम डिफरेंट, आज हम जीतेंगे। ये टीम डिफरेंट है, और आज आपको किससे उम्मीद है, कौन रन बनाएगा? शुभमन गिल एंड विराट कोहली। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो फैंस हैं रोहित शर्मा के भी और विराट कोहली के भी, और सब लोग अपने फेस पर तिरंगे की पेंटिंग कराकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप बताइए, आज बॉलर्स का दिन माना जा रहा है, हमारा कौन सा बॉलर है जो कहर ढा सकता है न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप पर? आई थिंक आज बुमराह होगा। आज बुमराह, ठीक है। और अगर बॉलर्स में से किसी को चुना जाए तो आज हो सकता है मोहम्मद शमी भी खेलें, आप चाहते हैं वो दिखें? बिल्कुल चाहते हैं मोहम्मद शमी खेलें, और मैं चाहूंगा स्काई भी खेले, तो आज बैटिंग भी बढ़िया होगी और बॉलिंग भी बढ़िया होगी। देखिए काफी सारे यहाँ पर जो है फैंस इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे करके सब अंदर जा रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ अब इस वक्त आ रहे हैं। सर, आप किसे देखने आए आज मैच में? ये मैं दिल्ली से आया हूँ, खास तौर से मेरा क्रिकेट में बहुत शौक है, और मैं पूरा और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इंडिया जरूर जीतेगा। जय हो भारत माता की जय, इंडिया जरूर जीतेगा। जी सर, आपकी दुआएं आशीर्वाद बना रहे टीम इंडिया के साथ, तो टीम इंडिया जरूर जीतेगी, और यही सेंटिमेंट लगातार नजर आ रहा है। और अगर मैं ये सवाल लेकर कपिल पाजी के पास भी जाऊं, पाजी मैंने जो शुरुआत में कहा, क्या ये 2023 का वर्ल्ड कप अलग है, क्या ये टीम इंडिया अलग है, जो पास्ट का बैगेज है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे आप साइड रख देना चाहिए? देखिए, नया साल है, नई टीम है और नई सोच होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे तो फिर खेला नहीं जा सकता। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम बेहतर है, लेकिन इंडिया की टीम आज बहुत बढ़िया खेल रही है, उनको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलनी चाहिए। और पिछले मैच जो हम पाकिस्तान के विरुद्ध बात करते थे, जो निकल चुका, जो इतिहास बन चुका है, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चर्चा इसकी नहीं होनी चाहिए कि पहले क्या हुआ, चर्चा ये होनी चाहिए कि आज हम क्या कर सकते हैं। संजय बांगर भी हमारे साथ हैं। संजय बांगर, आपको क्या लग रहा है कि आज के मौजूदा परिदृश्य में कौन सी टीम बेहतर है, कौन बेहतर खेलेगी आज? देखिए, दोनों टीमों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है अब तक विश्व कप में, और दोनों ही टीमों के लिए समस्या क्या है कि उनके अहम जो खिलाड़ी है वो अवेलेबल नहीं होंगे, हार्दिक पांडे भारत के लिए और विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए, तो दोनों के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब है, विषय है। मगर बैकअप स्ट्रेंथ दोनों ही टीमों के पास है, विलियमसन की जगह लेथम बढ़िया तरीके से लेते हैं, और हार्दिक की जगह ज़रूर भारतीय टीम को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करना होगा, मगर दोनों ही टीमों की जो ताकत है बरकरार है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मैच धर्मशाला में, ग्राउंड छोटा है, भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी। जी चलिए, अब इस चर्चा में अतुल को भी शामिल कर लेते हैं। अतुल वासन भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं विश्व विजेता में। अतुल, आपके प्लेइंग 11 में आज कौन कौन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के बदलाव की उम्मीद की जा रही है वो ये है कि क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो आपको कम से कम दो बदलाव करने होंगे, आपके प्लेइंग 11 में कौन आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत थी तो हार्दिक पांड्या के जाने से थी, क्योंकि एकदम से बैलेंस खराब हुआ, क्योंकि मैन टू मैन और लाइक फॉर लाइक हमारे पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है। पर आज इतनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं कि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तो धर्मशाला है, अगर धर्मशाला ना रहती तो मैं सोचता कि चलिए अश्विन को खिला लेते हैं,
पर अश्विन के आते ही हमारा तीन स्पिनर दो सीमर्स के कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं। अगर आप हटा के एक बल्लेबाज लेके आते हैं तो एक आपके पास सिर्फ पांच गेंदबाज रह जाते हैं, और शार्दुल को मैं पूरा दस ओवर कराने के हक में नहीं हूँ, और अगर शमी को लेके आएंगे तो नंबर सात से आपकी बल्लेबाजी खत्म हो जाती है। तो बहुत दिक्कत है, मुझे लगता है कि अब कंडीशंस ऐसी हैं, क्योंकि 5 बजे ऐसा सुना है मैंने कप्तान के इंटरव्यू में कि ड्यू आती है, तो बाद में आपको बैटिंग करनी बहुत जरूरी हो जाएगी। पर अश्विन को खिलाना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि अतुल वासन कह रहे हैं कि अश्विन को खिलाना चाहिए। पाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखो कुलदीप बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अश्विन को खिलाते आप तीन स्पिनर के साथ जा रहे हैं, और जहां पर विकेट स्पिनर के हक में नहीं है, मैं मानता हूं अतुल सही कह रहे हैं, एक स्पिनर ऑफ स्पिनर होना चाहिए, उनके पांच बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन किसी तरीके से भी आप धर्मशाला में तीन स्पिनर के साथ जाते हुए, या तो ड्यू है थोड़ा विकेट गीला है तो मैं मान सकता हूँ, वरना आपका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। जैसे अतुल ने भी कहा, मैं भी मानता हूँ, हार्दिक पांडे की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनके पास उनके कप्तान की रिप्लेसमेंट थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत इंडियन टीम को मुश्किल होगा किसको क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन पाजी जिस तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि आपने भी कहा कि देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो कुछ भी मुमकिन है, आज टीम इंडिया का पॉजिटिव फैक्टर आपके मुताबिक क्या है? आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया, उसके बाद क्या आप वो जज्बा रख सकते हैं या आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं हमारी टीम का कॉम्बिनेशन खराब है। इस टीम के साथ अगर आप मैच जीत जाते हैं तो आप एक स्टेप आगे जाते हैं और कहते हैं कि हाँ कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, हम मैच जीत सकते हैं, टीम किसी तरह की भी हो ऑपोजिशन, लेकिन तो भी हम टीम जीत सकती है, ऐसा सोच रख के अंदर जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, और आज पूरा देश भी यही दुआ कर रहा है कि देखिए हमारी टीम बेहतर है, सब कुछ नया है, तो इस बार आज भी बहुत कुछ नया होगा जो इससे पहले नहीं हुआ। अहमद बिलाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई हमारे सहयोगी हैं, लेकिन सबसे पहले अहमद बिलाल आपके पास आते हुए जरा बात कीजिए फैंस से आज के मैच को लेकर, इस मुकाबले को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल शीरिन, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के तालकटोरा गार्डन में हूँ और पीछे मेरे क्रिकेट प्रेमी जो है वो आप देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और आज के मैच से क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा नाम शाहिद हुसैन है, आज के मैच से मैं बहुत उम्मीद है, आज मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, वो जब भी चलता है दोहरा ही मारता है, इस बार दोहरा हम देखेंगे चौथा। अगर विराट कोहली की बात करें तो उनसे क्या उम्मीद? विराट कोहली तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में है, और बॉलर की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज और बुमराह आज तहलका मचाएंगे और विकेट ऐसे। पिछले दो दशकों से इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाई है विश्व कप में, लास्ट जो जीत है वो सौरव गांगुली की कप्तानी में मिली थी, मतलब जो काम महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ नहीं कर सके, क्या लगता है आज रोहित की धुरंधर कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए जी बिलाल, एज ए इंडियन सपोर्टर की उससे हम चाहते हैं कि इंडिया मैच बड़ी तगड़े रनों से जीते, और हम चाहते हैं कि अपना जो है रोहित शर्मा 200 रन कर मारे, चौथा बार 200 रन मारे हम यही। ठीक है बिलाल, तो किसी को रोहित शर्मा और किसी को विराट कोहली और पूरी टीम इंडिया को लेकर इस वक्त फैंस जो हैं वो उनका जोश बहुत हाई दिखाई दे रहा है, और कहा जा रहा है कि जो नहीं हुआ पहले वो आज होगा। आप देख रहे हैं धर्मशाला से विश्व विजेता का ये स्पेशल बुलेटिन, धर्मशाला के इस मैदान में करीब 1.5 घंटे बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी, फैंस का जोश देश के हर हिस्से में बहुत हाई है। सीधा आपको लिए चलते हैं मुंबई जहां से कृष्णा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कृष्णा बात कीजिए फैंस से। प्रीति बिल्कुल, देखिए भारत और न्यूजीलैंड मैच को लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है वो काफ़ी उत्साहित है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आप बताइए कि आज भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच है, 2003 से हमें जीत नहीं मिली है, 20 साल का जो सूखा है वो ख़त्म होगा? ज़रूर आज ख़त्म होगा, जो भी इंडिया 20 साल से वेट कर रही है आज ये ख़त्म होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें दो टीमें जो कि अभी तक अनबीटन है, एक न्यूजीलैंड और इंडिया है, बट इंडिया का अगर हम फॉर्म देखेंगे तो जो कि एकदम ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रही है, बैटिंग देखिए, बॉलिंग देखिए, रन मशीन विराट कोहली जो कि फुल फॉर्म में चल रहे हैं, उनका हम 50 शतक का पूरा वेट कर रहे हैं जो कि आज एक खत्म होगा। और जैसे कि मियां माजी का हम चेक कर सकते हैं, सिराज जो अभी तक पूरा परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, बट आज हम लोग पूरा मतलब कोशिश करेंगे कि आज उनका पूरा जी जान था कि आज मतलब इंडिया को जीत दिलाएंगे। बॉलिंग में आपका फेवरेट कौन है, क्या लगता है कि बॉलिंग के लिहाज से न्यूजीलैंड की टीम पर कौन भारी पड़ेगा? जैसे कि अगर देखेंगे बुमराह है, रविंद्र जडेजा है, ये दोनों मतलब पूरे टीम के भारी पड़ जाएंगे। स्पिन में विकेट में देखा जाएगा तो रविंद्र जडेजा है, कुलदीप का जो है मतलब कुलचा जो बोला जाता था, जैसे कि
जो स्पिनर है हमारे कुलदीप यादव उनको कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही तकलीफ वाला होने वाला ये। ईशान किशन को जो है चोट लगी है, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या को चोट लगी है, क्या लगता है कि कृष्णा बड़ा मजा आने वाला है? देखिए फैंस जो आपके साथ खड़े हैं वहाँ मुंबई के शिवाजी पार्क में, ऐसा लगता है कि पूरी अपनी तैयारी करके आए हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो थोड़ी देर में तय होगा, लेकिन विश्व विजेता की ये बड़ी कवरेज लगातार चलती रहेगी, अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करते रहेंगे। विश्व विजेता की इस बड़ी कवरेज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, मैं प्रीति दहिया आपके साथ धर्मशाला से लाइव जुड़ रही हूँ। मेरे पीछे देखिए वो खूबसूरत मैदान है जहाँ अब से करीब एक घंटे बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। करीब 1:30 पर टॉस होगा और टॉस जीतकर ज्यादातर बताया जाता है कि यहाँ पर जो टीम्स हैं वो बॉलिंग करना पसंद करती हैं, क्योंकि पहले 10 ओवर में काफी ज्यादा स्विंग और मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को। लेकिन फैंस लगातार आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि टीम्स भी मैदान में पहुंच चुकी हैं। आज के इस मुकाबले से पहले 5 बड़े पॉइंट हैं, सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं, आपको बताते हैं एक एक करके कि वो 5 ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर टीम इंडिया और सभी फैंस की भी नजर रहेगी आज इस मुकाबले से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बड़े मुकाबले में सबसे बड़ा झटका टीम इंडिया को ये था कि हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या 20 साल का सूखा आज टीम इंडिया खत्म कर पाएगी। 1992 के बाद से आज तक इंतजार है आईसीसी इवेंट्स में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जीत का, तो वो आज का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। दूसरी बात जो इस वक्त सबके जहन में चल रही है वो ये है कि हार्दिक पांड्या की कमी कैसे पूरी होगी, कितने बदलाव होंगे। मैं दिनेश कार्तिक को सुन रही थी और वो कह रहे थे कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या उनमें से नहीं है। हार्दिक पांड्या को आप मैन टू मैन रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, कम से कम 2 बदलाव करने होंगे। वर्ल्ड कप के टॉपर्स में आज टक्कर है, कौन सी टीम बेहतर है ये आज का तीसरा बड़ा सवाल है। यही दोनों टीम्स ऐसी हैं जो अब तक वर्ल्ड कप 2023 में अनबीटन है, यानी कि एक भी मुकाबला हारी नहीं है और आज इन दोनों की टक्कर है। और एक और मुद्दा जिस पर हम सबकी निगाहें वो ये है कि भारत आज सेमीफाइनल की सीट बुक करेगा क्या, और एक और बड़ा मुद्दा वो ये है कि क्या विराट कोहली आज सचिन की बराबरी करेंगे शतक लगाकर। 48 शतक वो लगा चुके हैं, 49वां शतक उन्हें लगाना है और वो सचिन के वनडे इंटरनेशनल्स के सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। लेकिन वो वर्ल्ड कप ही क्या, वो मैच ही क्या जिसमें कलरफुल फैंस ना हो। मेरे साथ कुछ और फैंस इस वक्त जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप इस वक्त किसका हुलिया बनाकर आए और इस हुलिये के पीछे राज क्या है? मैं 15 साल से कर रहा हूँ टीम इंडिया, किधर भी जाओ नॉट ओनली इन इंडिया पूरा वर्ल्ड हम घूमेगा टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। बट ये पहली बार आया मैं धर्मशाला, अभी रेड इंडियन ड्रेस में USA लाया हूँ क्योंकि स्पेशल ग्राउंड है, ब्यूटीफुल ग्राउंड है, मैं भी सोचा ब्यूटीफुल कलरफुल जाएंगे टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और धोनी को रुला दिया था न्यूजीलैंड ने, याद होगा वो मुकाबला आपको, लेकिन आप धोनी की वेशभूषा में आए हैं आज, क्या रोहित बदला लेंगे? बिल्कुल बदला लेंगे, क्योंकि 2019 का बदला तो बाकी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी बदला बाकी है। वो यहाँ धर्मशाला में इतिहास रचेगी टीम इंडिया, जैसे 4 लगातार मैच जीतते आई है और यहाँ पे 5 का पंच लगाना है और रोहित शर्मा ने जो वादा किया है धोनी सर से वो पूरा करेंगे और आगे सेमी जीत के फाइनल भी। चलिए बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, आप लोग सब गेम एंजॉय कीजिए। जूनियर शिखर से बाद में बात करेंगे, हमारे साथ वहां पर कपिल पाजी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन मौजूद है, मैं एक बार उनसे बात करना चाहूंगी। पाजी जो पहला पॉइंट हमारा है कि क्या 20 साल का सूखा पूरा होगा, मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, क्या इसका दबाव होता है कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर मानसिक तौर पर, पाजी आप ऐसा समझते हैं? बिल्कुल, उसका आप ड्रेसिंग रूम में बात होती है, शायद जब आप खाना खा रहे हैं तो चर्चा होती है कि यार इनकी टीम हमेशा हमारे ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन एक बार जब आप कपड़े डाल के मैदान में उतर जाते हो फिर उसका कोई मायना नहीं होता। आपने कितने शतक बना रखे हैं, कितनी जीत रखी हुई है, ये उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है और वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है राहुल द्राविड़ उनको मानसिक तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि इंजरीज के होते हुए ये सब चीज़ें भूलनी होगी और आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। इस मैच से पहले या इस इंजरी से पहले, हार्दिक पांडे की इंजरी से पहले मैं कह सकता था इंडियन टीम का 51-55% है, लेकिन अब मुझे कहते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है। आंकड़े हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा हावी है। बिल्कुल, और संजय बांगर के पास हम रुक करते हैं, जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड हावी है, हार्दिक पांड्या जिसको लेकर टेंशन बढ़ी हुई है, संजय आपको क्या लग रहा है हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कैसे होगा, क्या हो सकता है? हार्दिक देखिए 2 तरह के प्लेयर्स का काम करता है, एक तो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर का काम करता है कि 10 ओवर डाल के दे सकता है और फिनिशर का रोल भी बढ़िया तरीके से निभा सकता है, तो उस वो
अनअवेलेबल है तो उसकी जगह मैं समझता हूँ कि दो चेंजेस करने पड़ेंगे और वो दो चेंजेस करेंगे तो भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो उतरना चाहते हैं, उस कॉम्बिनेशन के साथ उतर नहीं पाएंगे। बैटिंग में जो नंबर आठ के ऊपर उन्हें ऑलराउंडर चाहिए था वो मिलेगा नहीं, तो नंबर आठ के ऊपर शार्दुल की जगह मोहम्मद शामी खेलेंगे और हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। जी संजय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का मैन टू मैन रिप्लेसमेंट ना होने का खामियाजा टीम इंडिया को ये भुगतना होगा कि दो बदलाव तो होंगे। अतुल, मैं आपके पास तीसरा सवाल लेकर आती हूं और वो ये है कि वर्ल्ड कप के टॉपर्स में आज टक्कर है, आपके नजरिए से कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है और क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय टीम को फिर भी बैक करूंगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने चलिए हमें बहुत हराया है और बहुत अच्छा खेल रही है, पर उनका भी एक ऑफ डे ड्यू है। हमारे लिए दिक्कत है, उनके भी एक मेन खिलाड़ी मौजूद नहीं है, पर मुझे लगता है कि जैसे बताया ना कि अगर कॉम्बिनेशन आप देखते हैं तो हमारे पास हार्दिक पांड्या के जाने से और सूर्य कुमार यादव के आने से हमारे सिर्फ प्योर पांच बॉलर रह जाते हैं और किसी को इंजरी हो गई तो एक बॉलर शॉर्ट हो जाता है और ये ड्यू का फैक्टर जो है, इसलिए मैं मानता हूँ कि जब तक टॉस नहीं होता तब तक कहना बहुत मुश्किल है, पर हल्की सी नाक भारतीय टीम की आगे है। अतुल, लॉ ऑफ एवरेजेस की आप बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड का अगर एक ऑफ डे ड्यू है तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी एक ऑफ डे ड्यू है, लेकिन मैं सवाल लेकर जा रही हूँ आप जीएस विवेक के पास। विवेक, आज जो टीम ये मुकाबला जीतेगी ये तय माना जाए कि सेमीफाइनल तक वो टीम पहुंच जाएगी, तो उस लिहाज से भी ये बड़ी टक्कर है? जी हाँ बिल्कुल, आपको कम से कम छः मुकाबले जीतने हैं अगर सेमीफाइनल के रेस में आना है, तो दोनों टीमें चार जीत चुकी हैं, तो अगर आप एक मैच और जीतते हैं तो आप उसके बिल्कुल करीब आ जाते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है कपिल पाजी, संजय और अतुल के बीच में कि कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। सभी कॉम्बिनेशन एक चीज़ पर डिपेंड करता है और वो है पिच। पिच कल तक ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत घास है, लेकिन जो फिलहाल अभी पिच है वो काफ़ी स्लो होने वाली है, काफ़ी स्लो खेलेगी, उस पर कोई लाइव ग्रास नहीं है, जितनी भी घास थी वो सब हटा चुके हैं, निप जरूर है एयर में, तो इसीलिए लगता है कि शायद फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर अच्छा मदद मिलेगा, थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी। थोड़े बहुत क्लाउडी भी है, बहुत तेज धूप आज हिट नहीं कर रहा जितना कल हिट कर रहा था, लेकिन जो पिच है वो काफ़ी स्लो पिच है। यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि शायद ये 260 से लेकर 280 तक का ही यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पिच काफ़ी स्लो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये पूरा आपका प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन। और अगर आप सूर्य कुमार यादव को खिलाते हो तो वो एक ऑफ स्पिनर की तरह आ सकते हैं, तो आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन है, और अगर टीम इंडिया यहाँ पर 3 स्पिनर्स के साथ भी उतरती है तो बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिच में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी यहाँ पर स्पिनर्स को। ये वो वाला पिच नहीं है जहाँ पर बॉल पड़ के हार्ड हो और उछल रही हो और हर तरफ से मूव कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि फैंस अभी लगातार आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जो है वो पिच को देखकर देखना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ वेरी वेरी गुड टॉस टू लूज, क्योंकि कप्तान जो जीतता है उसे समझ नहीं आएगा कि वो बाद में बॉल डाले क्योंकि पिच स्लो है तो और स्लो होगी, या फिर जब ड्यू आ जाएगा तब दिक्कत हो सकती है आपके साथ। फैंस से पूछ लेते हैं क्या लग रहा है आज, इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया, इंडिया 2019 का बदला लेना है। न्यूजीलैंड। फैंस के अगर माने तो सिर्फ इंडिया ही आज का मुकाबला जीतेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इट विल बी अ वेरी गुड टॉस टू लूज और जो पिच है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आउटफील्ड आपको याद रखना पड़ेगा, आउटफील्ड काफी सैंडी है, तो जो यहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो पहला स्पेल डालेंगे और उसके बाद अगर बाउंड्री पे खड़े होंगे जहाँ पर सैंड है तो उनको रिकवर करना उतना ही मुश्किल होता है, थाइज आपकी टाइट हो जाएंगी क्योंकि सैंड बेस्ड है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। इट विल नॉट बी द बेस्ट ग्राउंड जहाँ पर आप स्लाइड मार सको, तो दोनों ही टीमें बच बचा के खेलेंगी यहाँ पर, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बेसिस पर आपको ये वाला मुकाबले का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सीधा बैट और बॉल का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, स्लो पिच, आउटसाइड कंडीशंस, आउटफील्ड, सैंड बेस्ड, जी सभी कंडीशंस के ऊपर ही आपको ये मिलेगा। ये बहुत टैक्टिकल मैच होगा, ये स्किल के साथ साथ टैक्टिक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होंगे। और टैक्टिकल मैच जब जब होता है तब तब महेंद्र सिंह धोनी की याद आती है, लेकिन रोहित शर्मा ने दिखा दिया है कि वो भी कम नहीं है कप्तानी के डिपार्टमेंट में, जिस तरह से उन्होंने टीम को संभाला है, चार जीत दिलाई है वो बेहद बेहतरीन है। चर्चा हो रही थी कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत का ये मुकाबला सिर्फ बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स का मुकाबला नहीं होने वाला है, आज वो टीम जीतेगी जो स्ट्रैटेजी
सही तरीके से सही समय पर लगाएगी इस मैच के दौरान। भारत और न्यूजीलैंड से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े लेकर शिरीन एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शिरीन बताइए क्या कहते हैं ये आंकड़े। बिल्कुल प्रीति, जैसा आपने कहा कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है तो इन आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। विश्व विजेता ये खास पेशकश, और देखिए भारत वर्सेस न्यूजीलैंड पहली टक्कर कब हुई, पहली टक्कर तारीख 14 जून 1975 की, मैनचेस्टर इंग्लैंड का मैदान, न्यूजीलैंड 4 विकेट से ये जीता था, नतीजा रहा था। पहली टक्कर 14 जून 1975 को हुई थी लेकिन न्यूजीलैंड ने वहां पर बाजी मारी थी। तो कब कब मुकाबले हुए हैं और कौन जीता है वो हम अपने दर्शकों को जल्दी से बता रहे हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरी टक्कर है वो टक्कर हुई 13 जून 1979 वर्ल्ड कप के, ये हम मैचेस की बात कर रहे हैं, हैंडिंगले इंग्लैंड में, यहां न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता था। ये मुकाबला भी न्यूजीलैंड ने ही जीता था, पलड़ा यहां भी उसी का भारी था। दूसरी टक्कर के बाद अब तीसरी बार भिड़ंत वर्ल्ड कप के दौरान कब हुई थी, देखिए तीसरी टक्कर ये है 14 अक्टूबर 1987 की, चिन्नास्वामी बेंगलुरु का वो स्टेडियम, और भारत 16 रन से इस मुकाबले को जीता था, भारत ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद अगली जो टक्कर रही यानी कि चौथा मुकाबला जब दोनों आमने सामने भिड़े 31 अक्टूबर 1987 की वो तारीख थी, बीसीए नागपुर में ये मुकाबला हुआ और भारत भी 9 विकेट से भारत ने ये मुकाबला भी जीता था, भारत यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था। इसके बाद फिर से आमने सामने पांचवी बार जब ये दोनों टीमें रही 12 मार्च 1992 की वो तारीख थी, जुनेटन न्यूजीलैंड में ये खेला गया और न्यूजीलैंड यहां पर 4 विकेट से जीतने में कामयाब रहा था, न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीता था। अब फिर उसके बाद छठी बार जब आमने सामने थी ये दोनों टीमें तो देखिए 12 जून 1999 की वो तारीख, ट्रेंट ब्रिज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 5 विकेट से इस मुकाबले पर को जीतने में कामयाब रहा था। ये छठी टक्कर थी, छठी बार जब दोनों आमने सामने आए। फिर आगे बढ़ते हुए सातवीं टक्कर के बारे में भी आपको बता दें, सातवीं टक्कर जो 14 मार्च 2003 को हुई, सेंचुरियन साउथ अफ्रीका का मैदान, और उसके बाद भारत ने यहां पर जीत हासिल की थी, 7 विकेट से न्यूजीलैंड को हराया था। और इसके बाद अब आठवीं टक्कर भी देखिए, आठवीं बार कौन जीता, आठवीं टक्कर जो यहां 13 जून 2019 को हुई और यहां पर मैच रद्द हो गया था, इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में यह मुकाबला खेला गया लेकिन मैच रद्द हो गया था, आठवीं बार जब दोनों टीमें आमने सामने थी। अब नौवीं बार जब दोनों आमने सामने थे तो क्या नतीजा रहा था वो भी आपको बताएं। देखिए 9 से 10 जुलाई 2019 मैनचेस्टर इंग्लैंड का मैदान और न्यूजीलैंड 18 रनों से यहां जीता था। कपिल पाजी आपसे ही, क्योंकि आप तो इस टीम को हरा भी चुके हैं लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे हराना बहुत मुश्किल है इस टीम को। इनकी टीम में बड़े स्टार नहीं है, कभी भी देखा जाए बड़ी कमिटमेंट नज़र आती है, इसलिए इस टीम को कभी भी आप हल्के नहीं ले सकते और शायद यही इनकी स्ट्रेंथ है कि बड़े नाम नहीं है लेकिन कमिटमेंट बड़ी है, और जिस टीम की बड़ी कमिटमेंट होती है उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम बैक जाते हैं, हमारे पास बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, लेकिन कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टीम, हमारी इंडियन टीम, भारत की टीम अगर कमिटमेंट दिखाएगी तो इस न्यूजीलैंड टीम को हरा सकती है। स्टार के ऊपर मत जाइए, कमिटमेंट के ऊपर जाइए, कमिटमेंट के ऊपर जाइए और फिर वो भी मुमकिन होगा जो नामुमकिन सा दिखाई आपको दे रहा है। तो विश्व विजेता ये बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए।